वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बनाने वाली हूँ राजमा चावल। तो चलिए शुरू करते हैं। राजमे का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 4 बड़े टमाटर जिनको मैंने बारीक चॉप किया है, 2 बड़े प्याज, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 8 कली लहसुन की इनको मैंने बारीक पीस लिया है। पाउडर मसालों में मैंने लिया है 1.5 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच गरम मसाला। ये सूखे मसाले हैं जिनका हमें इस्तेमाल किया है। 1 मीडियम प्याज जिसे मैंने बारीक स्लाइस किया है जिसे हम मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल, 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक जिसको हम राजमे में बनाने के दौरान भी इस्तेमाल करेंगे और सर्विंग के टाइम पे भी इस्तेमाल। 1 पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम किया है, इसमें हम प्याज और जीरा डालकर अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसमें हम जीरा भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से ब्राउन होने तक, देखिए प्याज हमारी बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। इसमें हम सूखे मसाले अच्छी तरह से डाल, सूखे मसाले डाल दिए हैं और मैं इनको अच्छी तरह से भूनूंगी 1-2 मिनट तक ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। और इसी में मैं लहसुन अदरक प्याज का जो पेस्ट है वो उसको डाल दूंगी इसमें और अच्छी तरह से इसको भूनूंगी। इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे अच्छी तरह से भुनने में और उसके बाद हम इसमें टमाटर डालकर भून। देखिए मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, इसमें मैं इस स्टेज पर टमाटर मिलाऊंगी और कम से कम 5 से 7 मिनट तक टमाटर डालकर अच्छी तरह से भून। टमाटर डालकर आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत अच्छे से इसको भूनना है वरना इसमें टमाटर का कच्चापन रह जाता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कम से कम 5 से लेकर 7 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह, राजमा भी बिल्कुल उबल कर तैयार है, मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है और इसमें हम राजमा भी मसाला मिलाएंगे और इसको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। मसाला हमारा बिल्कुल, देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है, टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं। इस मसाले को हम राजमे में मिलाएंगे और कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे और ऊपर से धनिया मिर्चें अदरक डालकर सर्व करेंगे। देखिए मैंने अपना मसाला राजमे में मिला दिया है और इसको मैं 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाऊंगी। देखिए राजमा हमारा बिल्कुल रेडी है, मैंने इसमें धनिया पत्ती, हरी मिर्ची और अदरक मिला दिया है, अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए जीरा राइस बनाने के लिए मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल गरम किया है, उसमें मैं जीरा और दालचीनी और 2 लौंगों का इस्तेमाल करूंगी, इसका छौंक लगाऊंगी और चावल और पानी और नमक, बस इतनी चीज़ें इस्तेमाल करूंगी और बहुत ही टेस्टी जीरा राइस बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए मैंने इसमें चावल और पानी और नमक एक साथ डाल दिया है, अब मैं कुकर में इसमें 2 सीटी लगाकर और इसको गैस बंद कर दूंगी और ये चावल बिल्कुल रेडी हो जाए। देखिए हमारी राजमा चावल प्लेट बिल्कुल तैयार है और ये खाने में बहुत ही जायकेदार है। आप इसे देखिए, बनाइए और अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।